जी नमस्ते, राधे राधे। तो जो ये टब देख रहे हैं, इसमें है वाटर लिली का पौधा। पौधा बोलेंगे कि बेल बोलेंगे, मेरे को नहीं समझ आ रहा है। तो ये देखिए, पानी गंदा हो गया और बरसात का टाइम है ना, तो मैं थोड़ा सा स्टिक से इसको हटा के देख रही हूँ कहीं कीड़ा मकोड़ा तो नहीं घुसा है। अब पानी को मैं चेंज कर दूंगी, क्योंकि हमारे घर में ना बाजू में बहुत बड़ा पेड़ है, उसकी पत्तियाँ इसमें आके घुस जाती हैं और पूरे पानी को गंदा कर देता है। और जैसे आप कमल या फिर वाटर लिली लगाए हुए हो, तो उसका पानी को हमेशा चेंज करते रहना चाहिए। हर दूसरा दिन या तीसरा दिन में चेंज कर दो। जैसा पानी गंदा दिखे आप उसको चेंज कर सकते हो। इसमें मैंने कुछ क्या बोलते हैं, मछली वगैरह तो नहीं डाला है, क्योंकि मैं इसको शुद्ध रखना चाहती हूँ एकदम। और यहाँ से मतलब इसमें ना फूल नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैं खाद नहीं दे रही हूँ ना, 2 साल हो गया इसमें मैं खाद नहीं डाल रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि नेचुरल तरीके से फूल आए, तो भगवान जी में पहला फूल अर्पित करूँ, पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें अब मेरे को खाद दे देना चाहिए। और पानी को मैं पूरा चेंज कर दूँगी, और मैं थोड़ा खुला ही रख दूँगी, अलग से पानी नहीं डालूँगी, क्योंकि बारिश हमारे यहाँ होती ही रहती है। बारिश तो 1-2 घंटे में बारिश तो आ ही जाएगी और पूरा प्लांट टब को भर देगी। और देखिए, 1 घंटे में बारिश हो गई और पूरा टब भर गया है। तो ये सर्दियों में डोरमेंसी में चला जाता है, इसकी पत्तियाँ एकदम छोटी छोटी हो जाती है, पूरे पौधे गलना चालू हो जाते हैं। जो ज़मीन टब के अंदर मैंने और ज़मीन सॉरी मिट्टी रखा है, मिट्टी में इसके जड़ों को लगाया हुआ है ना, तो वो बस रहता है, बाकी पत्तियाँ गलनी चालू हो जाती है और पत्ते एकदम छोटा हो जाता है, इसके साइज ना छोटे हो जाते हैं। और फूल आए तो अच्छी बात है, पर अब लग रहा है कि सीजन इसका चला जाएगा, क्योंकि बरसात के बाद सर्दियाँ आ जाएंगी। तो मैं इसमें खाद डालूंगी, DAP की कुछ दाने ना कपड़े के, जो कपड़े में से बांध के, और थोड़ा सा एप्सम साल्ट बांध दूंगी और कपड़े में डाल के इसकी मिट्टी में दबा दूंगी। तो देखते हैं फूल आते हैं कि नहीं आते। आप चाहो ना तो गर्मियों में इसको ग्रो कीजिए, आज वो बीज से भी अच्छे से ग्रो हो जाता है और ना जड़ों से भी अच्छे से ग्रो हो जाता है। ऑनलाइन मिल जाता है, आप ऑनलाइन सर्च करोगे ना तो ऑनलाइन इजी तरीके से आपको मिल जाएगा, ज़्यादा महंगा भी नहीं रहेगा। मेरे को वाटर लिली का वाइट कलर का प्लांट बहुत प्यारा दिख रहा था, इसलिए मैंने वाटर लिली मंगाया है। आप कमल भी लगा सकते हो, कमल का जो पत्ता रहता है ना वो गोल रहता है, और वाटर लिली का जो पत्ता है ना देखिए हार्ट शेप में है। और टब मैंने पहले 2 टब में लगाया था, लेकिन पिछले बार बहुत सर्दियाँ पड़ी थी ना, तो डोरमेंसी के कारण एकदम बहुत सारे प्लांट गल गए थे। तो मेरे घर वाले लोग बोले कि 2-2 टब में लगाई है, 1 टब में डाल करके, तो फिर मेरे को 1 टब में लगाना पड़ा, 1 टब उनको देना पड़ा यूज़ करने के लिए। मेरे घर में कोई गार्डनिंग में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रखता, तो ये दिक्कत है। तो ये देखिए, बारिश के कारण इतनी बारिश हो रही है कि तीसरे दिन का क्लिप होगा शायद, और ये फिर से वही क्लिप आ गया दूसरे दिन का। तो इसकी पत्ती जैसे फूल नहीं आ रहे हैं इसमें, लेकिन पत्तियों में जैसे बूंद बारिश की जो वो पड़ती है ना, जो मोती मोती जैसा दिखता है ना, बहुत प्यारा दिखता है। तो आप भी इसको अपने घर में या गार्डन में ऐड ज़रूर कीजिए, लग जाता है जल्दी से, भले फूल नहीं आता, पता नहीं मेरे में तो फूल नहीं आ रहा है, आपके में ज़रूर आ जाएगा अच्छे से केयर करेंगे तो। आप एक बार और अच्छे से सर्च कर लेना कि इसको कैसे लगाया जाता है। तो मैंने तो बीज से ग्रो किया है, बीज को पहले कांच की गिलास में भिगो दिया था, उससे फिर बहुत सारी